तो नए यूनिट का आप नाम लिखो, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इसके ब्रैकेट में लिखना 5 मार्क्स। जनरली इसकी वेटेज 5 नंबर तक की होती है आमतौर पे, तो इसलिए आप 5 मार्क्स भी मेंशन कर सकते हो। आमतौर पर 5 नंबर तक का ये चैप्टर है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट एरो डाल के पहले कुछ बेसिक बातें लिखनी है, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एरो डाल के लिखना, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेस अ लोन मेड टू द कंपनी। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेस अ लोन मेड टू द कंपनी। इसमें आप डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर लेना। सेकेंड एरो, डिबेंचर इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। डिबेंचर इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी वेयर इंटरेस्ट फॉल्स ऑन स्पेसिफिक डेट्स, वेयर इंटरेस्ट फॉल्स ऑन स्पेसिफिक डेट्स। इसमें आप फिक्स्ड इंटरेस्ट को हाईलाइट कर लेना। थर्ड एरो, डिबेंचर इज जनरली बॉट एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज through stock exchange at a price lower or higher than face value, lower or higher than face value. Debenture is generally bought and sold through stock market. इसमें आप through stock market को भी highlight कर लेना, a stock exchange. तो बॉट एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एट अ प्राइस लोअर और हायर देन फेस वैल्यू। और फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एरो डाल के, द ओरिजिनल सम इज रीपेड एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। The original sum is repaid at specified future date, or it is converted into shares or other debentures, or it is converted into shares or other debentures. इसमें आप रीपेड एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट को हाईलाइट कर लेना। रीपेड एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट को आप हाईलाइट कर लेना। चलो जी, तो सर ये क्या है डिबेंचर, आखिर ये है क्या डिबेंचर, है ना? शब्द तो हमने सुन रखा था, लेकिन दोबारा बताओ सर डिबेंचर क्या है। तो देखो जी, डिबेंचर क्या है इसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब है कि कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, ठीक है?
तो मान लेते हैं कंपनी ने 100 रुपये का लोन लिया, तो जैसे ही कंपनी 100 रुपये का लोन लेगी तो बैलेंस शीट में इफेक्ट समझना, बैंक में 100 रुपये आ गए बोलो यस, और लाइबिलिटी में लोन आ गया बोलो यस। तो भाई सिंपल, ओके। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे पैसे कब लौटाओगे, तो कंपनी कहती है भाई हम आपके पैसे 5 साल बाद लौटा देंगे, मान लो हम आपके पैसे रीपे कर देंगे आफ्टर 5 ईयर्स। लेकिन लोग कहते हैं कि 5 साल बाद तो पैसे लौटाओगे, बदले में हमें क्या मिलेगा। तो मान लेते हैं कंपनी कहती है बदले में आप 15% पर एनम का इंटरेस्ट ले लेना। तो कंपनी ये सब बातें एक कागज़ के टुकड़े पे दस्तखत करके लोगों को दे देती है, तो बस इस कागज़ के टुकड़े का नाम बन गया डिबेंचर। ये कागज़ का टुकड़ा क्या है, डिबेंचर बन गया। तो बस बैलेंस शीट में अब एक तब्दीली कर देते हैं हम जो लाइबिलिटी है लोन, अब उसको लोन ना दिखाकर, लोन हटा देता हूँ वर्ड, उसको डिबेंचर कह देते हैं, कि मतलब हमारी लाइबिलिटी का नाम लोन हटा दिया हमने और लाइबिलिटी के नाम को क्या कह दिया, डिबेंचर कह दिया। तो जैसे ही कंपनी डिबेंचर देती है तो अंग्रेजी हो गई इसकी इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब है कि लोगों को कंपनी एक कागज़ का टुकड़ा दे रही है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी। बाकी डिबेंचर की भी शेयर की तरह ही एक फेस वैल्यू होती है, मतलब ऐसे ही लिख लेता हूँ कि मान लो 1 डिबेंचर जो है उसकी भी एक फेस वैल्यू हो गई, लेट से 100 रुपये। ठीक है। बाकी मार्केट के अंदर ये डिबेंचर कितने का खरीदा बेचा जाता है, वो प्राइस कुछ भी हो सकता है। मार्केट प्राइस 500 रुपये भी हो सकता है, मार्केट प्राइस 100 रुपये भी हो सकता है, मार्केट प्राइस 5 रुपये भी हो सकता है। तो मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ फेस वैल्यू, क्योंकि बाज़ार में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का दाम कुछ भी हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फेस वैल्यू। तो डिबेंचर का मतलब सबको समझ आ गया क्या है डिबेंचर। तो ये बातें आपको इंग्लिश में लिखवाई हैं ऊपर 4 पॉइंट्स। तो पहले में तो लिखा है कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है, मतलब कागज़ का टुकड़ा है जिसमें लोन लेने का सबूत है, बाकी इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफाइड डेट्स पर, बाकी इसको खरीदा बेचा जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और इसमें प्रिंसिपल जो है यानी ओरिजिनल सम उसे भविष्य में रीपे करने की बात कही जाती है, बाकी इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि कन्वर्जन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बस थ्योरेटिकल पॉइंट है कि कभी कभी डिबेंचर कन्वर्ट भी हो जाते हैं, है ना, उनको हम अभी लिखेंगे थोड़ी देर में, कन्वर्टेबल डिबेंचर कह देते हैं। तो वो डिबेंचर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब है ये डिबेंचर लेकिन कुछ समय के बाद बन जाएगा शेयर बन जाएगा या कोई और डिबेंचर बन जाएगा। तो क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब सिंपल डिबेंचर और उसका डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट एरो डाल के लिखते हैं। नेक्स्ट एरो की हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम एक टैबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं। तो इसमें बेसिकली हम शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में डिफरेंस लिख लेते हैं, क्योंकि आपने शेयर्स तो पढ़ लिया और डिबेंचर्स अभी पढ़ रहे हो, तो शेयर्स और डिबेंचर्स ऐसे लिख लो हेडिंग। ठीक है। शेयर्स और डिबेंचर्स, तो आप टेबुलर फॉर्मेट ही बना लो। चलो, तो याद है आपको डिफरेंस, याद है शेयर्स के और डिबेंचर्स के, बताओ कोई भी एक डिफरेंस बताओ। ठीक है। और ठीक, तो पहला यही लिख लेते हैं, अच्छा पॉइंट है काफ़ी। तो शेयर में लिख लेते हैं कि भाई शेयर होल्डर इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी या इज़ द ओनर ऑफ कंपनी।
शेयर होल्डर जो होता है वो मालिक है। और डिबेंचर होल्डर जो है इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये क्रेडिटर है। फिर शेयर्स में, ठीक है, और इनके पास क्या होता है सबसे बड़ा पॉइंट? वोटिंग राइट। तो शेयर होल्डर हैज़ वोटिंग राइट्स। इनके पास सबसे बड़ा अधिकार है कि इनके पास निर्णय लेने की क्षमता है, अधिकार है, वोटिंग के अधिकार हैं, वोटिंग राइट्स हैं। जबकि डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास नहीं है वोटिंग राइट्स, ये कोई कंपनी में वोटिंग नहीं करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं है, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है। उसके बाद और जो आपने बोला, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड। शेयर होल्डर जो होता है उसको क्या मिलता है? सिर्फ डिविडेंड। बाकी ब्रैकेट में लिख लो, विच इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है? एक एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो देगी। बिल्कुल सही। तो कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो ही देगी, अन्यथा नहीं देगी। जबकि डिबेंचर होल्डर में लिख लेते हैं गेट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट। हाँ, डिबेंचर होल्डर को ब्याज मिलता है फिक्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? ब्याज। और ब्रैकेट में लिख लो वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो विच इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब है, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन चार्ज का मतलब है कि कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए। तो कंपनी जो है उसे डिबेंचर होल्डर्स का ब्याज देना ही पड़ता है, मतलब उन्हें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक पहले क्लियर है बिल्कुल डिफरेंस? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, और क्या बताया था आपने? एक मैडम ने बताया था कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, है ना? आपने याद होगा सेक्शन 53 पढ़ा था, शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। मतलब स्वेट इक्विटी तो एक्सेप्शन है, लेकिन वैसे इन जनरल, है ना, कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं वो इशू हो सकते हैं, कैन बी, हाँ, इशूड एट डिस्काउंट। पार और प्रीमियम तो खैर हो ही सकते हैं, लेकिन मतलब डिबेंचर्स तो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, शेयर्स नहीं हो सकते। तो ये शेयर्स का और डिबेंचर का ये भी एक डिफरेंस बन गया। और इसके अलावा जी, शेयर्स का, शेयर कैपिटल कहाँ शो करते हो? इज शोन अंडर शेयर होल्डर्स फंड, है ना? तो शेयर कैपिटल को हम शेयर होल्डर्स फंड हेडिंग में शो करते हैं बैलेंस शीट में। जबकि डिबेंचर्स को कहाँ शो करते हैं? हाँ, डिबेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मतलब जनरली आम तौर पे लिख रहे हैं, बाद में बाल नोचने मत आ जाना मेरे कि सर कभी कभी तो डिबेंचर शॉर्ट टर्म भी होता है, या कभी कभी तो करंट मेच्योरिटीज़ भी होते हैं, वो होता है, लेकिन मैं तो जनरली लिख रहा हूँ। तो डिबेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, जनरली ध्यान रखना, जनरली लिख रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ। तो आम तौर पर डिबेंचर्स जो हैं वो लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं, शेयर्स को हम शेयर होल्डर फंड में शो करते हैं। ये भी एक डिफरेंस हो गया।
और इसके अलावा एक बड़ा ही मज़ेदार, शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, पढ़ा था आपने, शेयर्स जो हैं वो कैंसिल कर सकती है कंपनी, आपने पैसे नहीं दिए तो शेयर्स कैंसिल। लेकिन क्या डिबेंचर्स कभी पढ़ा है आपने फोरफिट होते हुए? नहीं, तो डिबेंचर्स कैन नॉट बी फोरफिटेड। तो डिबेंचर्स में आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे कि फोर फीचर ऑफ डिबेंचर, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिबेंचर्स जो हैं वो फोरफिट नहीं होंगे या नहीं होते। उसके बाद सर एक और बताओ कोई मज़ेदार। चलो कन्वर्टिबिलिटी का बताओ, शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। आप शेयर होल्डर को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते कि भाई कल से तुम मालिक नहीं हो, कल से तुम क्रेडिटर हो, ऐसा नहीं होएगा। तो शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। लेकिन क्या डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में? बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसमें लिख लेते हैं कि डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू शेयर्स। तो डिबेंचर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं भाई शेयर्स के अंदर। चलो तो कितने हो गए? 7 हो गए। तो एक और लिख लें, 8 तो बहुत हैं, 8 से ज़्यादा क्या ही होगा। चलो एक ये और बताओ, अगर मान लो लिक्विडेशन हो गया, कंपनी बंद हो गई, तो पहले पैसे किसको मिलेंगे? ठीक है, तो शेयर्स में लिख लेते हैं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कॉमा शेयर होल्डर्स आर पेड एट लास्ट, इन्हें सबसे एंड में पैसे मिलेंगे। अगर कंपनी बंद हो गई तो इन्हें सबसे एंड में पैसे मिलेंगे। और इसमें लिख लो, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कॉमा डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ बिफोर शेयर होल्डर्स, इन्हें पैसे पहले मिलेंगे शेयर होल्डर से। तो पहले इन्हें पैसे मिलेंगे, फिर शेयर होल्डर का नंबर आएगा। ठीक है, तो लिख लो, देख लो, मन की संतुष्टि कर लो, फिर बताना कि भाई आप बच्चे बिल्कुल संतुष्ट हैं तो आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एरो डाल के नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स के प्रकार लिखने हैं कि डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, चलो तो पहले लिखते हैं ए, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो टोटल 10 प्रकार के डिबेंचर्स लिखवाएंगे आपको, 5 कैटेगरियां हैं। तो पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर, हाँ है ना। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स और दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड का घर का नाम बताओ दक्ष। नेकेड, वेरी गुड, नेकेड डिबेंचर्स। तो दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। और सिक्योर्ड में डैश डाल के लिख लेना, उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, दो तरह के, मतलब सिक्योर्ड के अंदर भी दो कैटेगरियाँ हो गई, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। चलो तो एक डायग्राम मेरे साथ बना लो,
एक कंपनी बना लो बीच में, एक आदमी बना लो इधर, इसका नाम लिख लो जॉन सीना, एक आदमी बना लो इधर, इसका नाम लिख लो एस आर के, एक आदमी बना लो इधर, इसका नाम लिख लो सल्लू। तो जॉन सीना ने भी कंपनी को लोन दिया, एस आर के ने भी कंपनी को लोन दिया, और सल्लू ने भी कंपनी को लोन दिया। तो तीनों ने कंपनी को लोन दिया। तो जॉन सीना को भी कंपनी ने कागज़ दिया, एस आर के को भी कंपनी ने कागज़ दिया, और सल्लू को भी कंपनी ने कागज़ दिया। कागज़ का मतलब क्या है? डिबेंचर, ठीक है। तो कागज़ के नीचे लिखना चाहो लिख लो, बाकी कागज़ का मतलब है डिबेंचर दिया, ठीक है। तो इतनी स्टोरी तो आपको पता ही है, ये तो आपने अभी शुरू में बेसिक में भी देखा था कि लोग जो है पैसा देते हैं और बदले में कंपनी कागज़ देती है, ठीक है। तो यहाँ तक ओके हो गई पहले कहानी। चलो तो जॉन सीना से शुरू कर लेते हैं। तो जॉन सीना भाई जो हैं, मान लेते हैं वो थोड़े से डरपोक हैं, तो उनको ये डर है कि मैंने कंपनी को लोन दिया, लेकिन अगर मान लो कंपनी बंद हो गई या मान लो कुछ ऊंच नीच हो गई तो कंपनी मेरे लोन के पैसे चुकता नहीं कर पाएगी, है ना। तो जॉन सीना भाई को डर लग रहा है, तो उन्होंने कंपनी से कहा कि कंपनी कंपनी मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, अगर आप बंद हो गए और मेरे लोन के पैसे वापस नहीं करे तो आई नीड सम सिक्योरिटी फ्रॉम यू। तो कंपनी कहती है ठीक है भाई, हम तुम्हें फर्नीचर जो है मतलब उस पर गारंटी दे देते हैं। गारंटी का मतलब हो गया सिक्योरिटी दे देते हैं। तो ये फर्नीचर जो है इस पर तुम्हारे नाम के ठप्पे लगा दिए, अगर कंपनी बंद हो गई तो तुम ये सारे फर्नीचर ले जाना, ये तुम्हारा। तो कंपनी ने इस तरह का फर्नीचर का सिक्योरिटी जॉन सीना को दे दिया। तो समझ आ रहा है भाइयों कहानी? ओके एवरीबॉडी, ठीक है। तो हम जॉन सीना वाले डिबेंचर को पता है कौन सा डिबेंचर कहेंगे अब? सिक्योर्ड। तो जॉन सीना वाला जो डिबेंचर है वो कौन सा डिबेंचर हो जाएगा? सिक्योर्ड। समझ गए पहले सिक्योर्ड का क्या मतलब है? एक और दूसरा डेमो। अब इसी तरह मान लो एस आर के, वो भी डरपोक है थोड़ा, तो उसको भी डर है कि भाई मैंने कंपनी को लोन दिया और अगर कंपनी बंद हो गई तो पता चला मेरा लोन का पैसा मिले ना मिले, डर है। तो उसने भी कंपनी से कहा कि भाई कंपनी मुझे भी कुछ सिक्योरिटी चाहिए आपसे, अगर कंपनी बंद हो गई तो मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए आपसे। तो कंपनी कहती है ठीक है, हम आपको अपने करंट एसेट्स की सिक्योरिटी दे देते हैं। तो जो भी हमारे करंट एसेट्स होंगे, चाहे उसमें तुम्हें स्टॉक ले जाना हो स्टॉक ले जाना, तुम्हें डेटर ले जाना है डेटर ले जाना, तुम्हें बिल रिसीवेबल ले जाना है बिल रिसीवेबल ले जाना, तुम्हें कैश इक्विवेलेंट्स ले जाने हैं वो ले जाना, जो मन करे वो ले जाना, तुम्हारे करंट एसेट्स की सिक्योरिटी तुम्हें दी, जो तुम्हारा मन करे वो ले जाना। तो इसका मतलब जो एस आर के को डिबेंचर मिला वो भी कौन सा डिबेंचर है? सिक्योर डिबेंचर है। तो पहले आपको सिक्योर डिबेंचर समझ आ गया भाई कौन से होते हैं? कंपनी उनको सिक्योरिटी दे देती है। तो क्लियर हो गया पहले इतना। लेकिन इसमें हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि जो सिक्योरिटी जॉन सीना भाई को मिली है उसमें कंपनी ने एक स्पेसिफिक एसेट दिया है। क्या है एसेट का नाम? फर्नीचर। लेकिन जो सिक्योरिटी एसआरके भाई को मिली है उसमें कंपनी ने क्या कोई स्पेसिफिक एसेट दिया है? बोलिए और समझ के बोलिए, क्या उसमें कोई स्पेसिफिक एसेट दिया है? कौन सी, किस चीज़ की सिक्योरिटी दी है? करंट एसेट। अब करंट एसेट में तो इन्वेंट्री भी हो सकता है, करंट एसेट में तो डेटर भी हो सकता है, करंट एसेट में तो बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। तो अब दोनों की सिक्योरिटी में एक हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो बस उसी माइन्यूट से डिफरेंस से नाम क्या पड़ जाता है? जब स्पेसिफिक एसेट की सिक्योरिटी दी जाती है तो उसको बोल देते हैं फिक्स्ड चार्ज। क्या बोल देते हैं? फिक्स्ड चार्ज। और जब नॉन स्पेसिफिक एसेट की सिक्योरिटी दी जाती है तो उसको बोल देते हैं फ्लोटिंग चार्ज।
क्योंकि ये फ्लोट कर सकता है, क्या पता ये बीआर ले जाए, क्या पता ये डेटर ले जाए, क्या पता ये स्टॉक ले जाए, तो इसका चार्ज फ्लोट कर रहा है, तो इसका नाम पड़ गया फ्लोटिंग चार्ज। लेकिन जॉन भाई की सिक्योरिटी फिक्स्ड है, वो सिर्फ क्या लेके जाएगा, फर्नीचर, तो इसलिए इसको बोल दिया फिक्स्ड चार्ज। तो समझ आ गया जी खेल। चलो तो इतना ओके हो गया, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, समझ आ गया दोस्त पीछे चौहान साहब, ओके। चलो अब तीसरा व्यक्ति जो है सल्लू भाई, तो सल्लू भाई जो है वो हमारे चौहान साहब की तरह है निडर, उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, वो कह रहे हैं ठीक है कंपनी बंद हो गई तो हो गई, लोन के पैसे गए तो गए, मुझे टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब जो सल्लू भाई हैं, क्या उन्होंने कंपनी से कोई सिक्योरिटी ली? नहीं ली, है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं ली। तो सल्लू भाई वाले इस कागज़ के टुकड़े को, इस डिबेंचर को कौन सा बोल देंगे? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो ये कागज़ का टुकड़ा जो है ये है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो क्लियर हो गया सबको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड? तो देख लो, बना लो, मैं दो मिनट दे देता हूँ। तो आप ये डायग्राम बना लो, इससे बस आपको स्टोरी समझनी है कि क्या होता है सिक्योर्ड और क्या होता है अनसिक्योर्ड, और सिक्योर्ड में भी फिक्स्ड कौन सा होता है और फ्लोटिंग कौन सा होता है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो अपने हिसाब से और फिर मुझे बता दें कि समझ आया कि नहीं। चलो जी ओके, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद बी, दूसरी कैटेगरी, ये तो आप लिखते ही समझ जाओगे, तो इसमें तो मुझे कुछ टेंशन नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, तो ये तो नाम से ही क्लियर है। बताओ दो टाइप्स कौन कौन से, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, तो बस इसमें तो आप नाम ही लिख लो, बाकी तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ओरली बता देता हूँ। तो कन्वर्टेबल का मतलब वो जो कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना, या तो शेयर में या किसी दूसरे डिबेंचर में, और नॉन कन्वर्टेबल वो जो कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। फिर तीसरे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, कि मतलब कब तक रहेंगे वो, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस कब तक रहेंगे। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं रिडीमेबल और दूसरे को बोलते हैं इररिडीमेबल। एक को बोलते हैं रिडीमेबल और दूसरे को बोलते हैं इररिडीमेबल। तो इररिडीमेबल के घर का नाम क्या है? परपेचुअल। तो इररिडीमेबल को परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। परपेचुअल का मतलब है चलते ही रहेंगे, और रिडीमेबल का मतलब है कि ये रीपे करने पड़ेंगे। तो लिख लेते हैं एक एक लाइन। तो रिडीमेबल का मतलब हो गया रीपेबल आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि आपको इन्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। तो अगर 5 साल है तो 5 साल बाद पैसे लौटाने पड़ेंगे, 8 साल है तो 8 साल बाद पैसे लौटाने पड़ेंगे, 10 साल है तो 10 साल बाद पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो समझ आ गया रीपेबल। और इररिडीमेबल का मतलब कि आपको इन्हें पैसे नहीं लौटाने कभी भी, यानी कि रीपेबल ओनली एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो बस जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन पैसे लौटाने, अदरवाइज नहीं लौटाने। तो ये फिर चलते रहेंगे, इसीलिए इनका नाम परपेचुअल होता है। तो आपको इनके पैसे कभी भी लौटाने नहीं पड़ेंगे, जब कंपनी अगर बंद होगी बस तब देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको कभी भी पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। तो इनका नाम हो गया इररिडीमेबल। तो समझ आ गया जी। उसके बाद डी, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी,
on the basis of negotiability. तो इसमें दो प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं, ए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और दूसरे बी बियरर डिबेंचर्स. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बी बियरर डिबेंचर्स. तो इसमें डायग्राम से समझा देता हूँ आपको. एक आदमी बना लो इधर, एक आदमी बना लो इधर, बीच में बना लो कंपनी. दोनों आदमियों ने दिया लोन, कंपनी ने दी दोनों आदमियों को चिट्ठी यानी कागज़. कागज़ को क्या बोलते हैं आपको पता ही है, डिबेंचर. तो बताओ क्या फ़र्क है दोनों में. हाँ तो रजिस्टर्ड डिबेंचर में नाम मेंशन होगा, राजू मान लो. तो अब ये कागज़ जो है इसका मालिक कौन है, राजू. तो अगर आपने चिट्ठी चुरा ली तो भी मालिक कौन ही माना जाएगा, राजू. पैसे किसको ही मिलेंगे वापस, राजू. तो इस डिबेंचर को बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, क्योंकि ये कभी भी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. इसकी नेगोशिएबिलिटी जो है वो ज़ीरो है, मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं है. मालिक हमेशा सदा बाहर कौन रहेगा, राजू. अनलेस एंड अंटिल चिट्ठी देके नाम चेंज करवाए वो तो एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन मालिक कौन रहेगा, राजू. तो इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर. लेकिन कभी कभी कंपनी बिना नाम की भी चिट्ठी दे देती है, नो नेम. और कंपनी कहती है भाई ये चिट्ठी जिसके पास होगी, जो इसको होल्ड करेगा वही मालिक. तो इस डिबेंचर को कह देंगे बियरर डिबेंचर. तो अगर ये चिट्ठी आपने चुरा ली तो मालिक कौन, आप. आपसे मैंने चुरा ली तो मालिक कौन, मैं. मेरे से फिर से दक्ष ने चुरा ली तो मालिक कौन, दक्ष. तो मतलब कि बियरर डिबेंचर जो है वो जो उसके हाथ में चिट्ठी वो मालिक. तो समझ आ गया बियरर डिबेंचर क्या है. क्लियर है भाई भाइयों बहनों सबको, बता देना. बिल्कुल शर्माना मत, ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, सर को पता है कि आप नालायक हो. ठीक है जी भाइयों, चलो. तो ये भी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी. तो सिंपल है, रजिस्टर्ड डिबेंचर में नाम लिखा होगा, चिट्ठी का मालिक राजू. और बियरर डिबेंचर में नाम नहीं लिखा होगा, तो चिट्ठी का मालिक जो भी, चिट्ठी जिसके पास भी है वही मालिक. और पांचवी कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के बेसिस पर. प्रायोरिटी कि पहले किसे. तो इसमें लिख लो दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, कौन कौन से. फर्स्ट डिबेंचर्स, मेरे इनका नाम होता है फर्स्ट डिबेंचर्स, और दूसरों का नाम होता है सेकंड डिबेंचर्स. फर्स्ट डिबेंचर्स और सेकंड डिबेंचर्स. इनको फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स भी कह देते हैं या सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स भी कह देते हैं, लेकिन कीवर्ड फर्स्ट और सेकंड ही है. तो क्या मतलब है फर्स्ट का और सेकंड का, चलो तो ये भी स्टोरी समझा देता हूँ. तो कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है, अब उसके पास एक बहुत बड़ी मशीन है, मशीन है 5 करोड़ की. अब ये भी एक डिबेंचर होल्डर है मान लो SRK, और ये भी एक डिबेंचर होल्डर है जॉन सीना. और दोनों को ही कंपनी ने मशीन पर सिक्योरिटी दे रखी है,
क्योंकि भाई इसने मान लो SRK ने 1 लाख रुपए का लोन दिया था और जॉन सीना ने 2 लाख का दिया था। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई जॉन सीना ने या SRK ने 1 लाख 2 लाख का लोन दिया है और कंपनी उनको पूरी मशीन कह देगी 5 करोड़ की तुम्हारी सिक्योरिटी, वो तो फिर बहुत डिसप्रोपोर्शन हो गया ना। तो कंपनी कभी कभी अपने एक बहुत ही मूल्यवान एसेट को 2, 4, 5, 10 डिवेंचर होल्डरों को गिरवी रखवा देती है। भाई 1 लाख रुपये तो हैं आपके, ले लेना मशीन में से थोड़ा सा हिस्सा, तुम्हारे 2 लाख है थोड़ा सा तुम ले लेना मशीन में हिस्सा। तो कंपनी ने अपने एक बहुत बड़े एसेट को सिक्योरिटी के तौर पर, मॉर्गेज के तौर पर दोनों को मान लो दे रखा है। लेकिन अब भगवान ना करे सिक्योरिटी लेने का जब समय आया तो इन दोनों की लड़ाई हो गई, SRK और जॉन सीना की, तो कौन जीतेगा? नहीं, गलत। क्योंकि अगर कंपनी ने SRK को जो डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं वो हैं फर्स्ट डिबेंचर्स, तो फर्स्ट का मतलब ही ये है कि अगर ऐसी लड़ाई होगी तो पहले, यानी कि फर्स्ट, पहले पैसे किसे मिलेंगे? SRK को। तो SRK लड़ाई जीत जाएगा इस एग्जाम्पल में। और सेकंड डिबेंचर्स किसको इशू कर रखे हैं कंपनी ने? मान लो जॉन सीना को। तो ये फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर का मतलब बस ये है कि अगर इस तरह का कभी घटना घटित हो तो मशीन में से पहले किसके पैसे दिए जाएंगे? फर्स्ट डिबेंचर के, यानी SRK, और फिर उसके बाद दूसरे किसके पैसे दिए जाएंगे? जॉन सीना के, सेकंड डिबेंचर के। तो बच्चा कहता सर अगर तीसरा भी होगा, थर्ड डिबेंचर, चौथा भी होगा, फोर्थ डिबेंचर, लेकिन वो हमारे कोर्स के लिए नहीं है। तो बट समझ आ गया मीनिंग फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर क्या है। तो इसकी अंग्रेजी लिख भी लेते हैं एक लाइन, एक दो लाइन। तो फर्स्ट डिबेंचर का मतलब ये है, आप एक लाइन लिख लो मेनली कि भाई फर्स्ट डिबेंचर का मतलब ये है कि दीज डिबेंचर्स आर पेबल फर्स्ट, दीज डिबेंचर्स आर पेबल फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज्ड। सिंपल। तो इन्हें पहले पैसे मिलेंगे उस प्रॉपर्टी से जो चार्ज है। तो पहले मान लो SRK के पास फर्स्ट डिबेंचर है अगर, तो पहले पैसे उसे मिलेंगे। और सेकंड डिबेंचर्स में लिख लो कि भाई दीज आर, हाँ, या दीज डिबेंचर्स आर पेबल, हाँ, आफ्टर सेटिस्फाइंग फर्स्ट डिबेंचर्स। तो इन्हें पैसे फर्स्ट डिबेंचर्स को सेटिस्फाई करने के बाद मिलेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी में से फर्स्ट डिबेंचर्स को दिया जा रहा है, पहली प्रायोरिटी अगर फर्स्ट वालों को है तो इसलिए नाम पड़ गया फर्स्ट डिबेंचर, और दूसरों को है तो सेकंड डिबेंचर। तो कंपनी पहले ही मेंशन करती है कि भाई आप फर्स्ट डिबेंचर हो, आप सेकंड डिबेंचर हो, ताकि बाद में लड़ाई ना हो। तो समझ गए फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर, क्लियर हो गया सब बच्चों को? हाँ, है दोनों सिक्योर्ड, लेकिन सिक्योर्ड के अंदर लड़ाई ये कि पहले कौन, तो पहले फर्स्ट फिर सेकंड, हैं दोनों सिक्योर्ड। हाँ, तो जब कंपनी इशू करती है तो उसी समय बता देती है कि SRK भाई आप देखो फर्स्ट हो और जॉन भाई आप सेकंड हो। तो इन्हें पता होता है पहले से, ऐसा नहीं ना कि उस दिन आए दरवाजे पर अचानक से, अच्छा मैं सेकंड हूँ। तो इनको पहले पता होएगा कि मैं फर्स्ट डिबेंचर हूँ, मैं सेकंड डिबेंचर हूँ। तो अगर कभी ऐसी नौबत आई प्रॉपर्टी से पैसा लेने की तो पहले फर्स्ट डिबेंचर को मिलेगा, बाद में फिर सेकंड को मिलेगा। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया? चलो, तो ये तो बेसिक थ्योरेटिकल बातें जो मतलब एक दो नंबर की ही आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं। तो टोटल 10 प्रकार के डिबेंचर्स हो गए, मतलब 5 अलग अलग बेसिस के हिसाब से, और ये सब। चलो, तो यहाँ तक बिल्कुल ओके हो गया सबको? चलो, तो अब आप पेज के बीचों बीच एक मेन हेडिंग की तरह डाल सकते हो अकाउंटिंग, यानी मुंशीगिरी। चलो, तो इसमें लिखो सबसे पहले नंबर 1, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश।
इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये मेन हेडिंग की तरह हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, यानी कि डिबेंचर्स इशू करे कैश में, और ब्रैकेट में लिख लो लंप सम, एक साथ सारे पैसे एक साथ। चलो तो जर्नल एंट्री लिखवानी है मुझे, तो अगर किसी को याद है तो पहले वो बच्चा बताए फिर मैं लिखूँगा। सही, वेरी गुड। तो पहले लिख लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन वैसे वही सेम रहती है जैसे शेयर्स में रहती है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद सेकेंड एंट्री, ठीक है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट के आगे आप लिख लेना फेस वैल्यू, इसमें हमेशा हम फेस वैल्यू लिखते हैं। बाकी एक डॉटेड लाइन बनाकर एरो और एक डॉटेड लाइन बनाकर एरो, ऐसे दो एरो निकाल के लिखना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट इज यूज्ड इफ मेंशन्ड इन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको मतलब यूज़ करना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डिस्काउंट अगर है, कंपनी का नुकसान अगर हो गया तो आप डेबिट करोगे, प्रीमियम अगर हो गया कंपनी का फ़ायदा हो गया तो फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करोगे। तो आई होप ये सबको याद है बात, ये ओके। तो वो नहीं, लॉस नहीं, लॉस तो बाद में आता है जब हम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रियां डालते हैं तब करें, अभी तो खाली इशू कर दिया। तो क्लियर है, तो डिस्काउंट भी आ सकता है डेबिट में और प्रीमियम भी आ सकता है क्रेडिट में, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से मतलब वो तो तब की तब देख लेंगे। बाकी इसकी भी नरेशन लिख लो ऐसी ड्रामा करने के लिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड ठीक है। तो हार्दिक भाई पूछ रहे हैं कि सर अगर नरेशन गलती से भूल गए तो कितने नंबर कटेंगे, तो बताओ कितने नंबर कटेंगे। तो नंबर नरेशन के ही है, ये ध्यान रखना, एंट्री चाहे भूल के आ जाना एग्जाम में, नरेशन नहीं भूलनी है, ठीक है। आप एंट्री चाहे छोड़ आना, मुझे टेंशन नहीं, लेकिन नरेशन जरूर लिखनी है। चलो तो लिखो जी पॉइंट नंबर टू, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है इन इंस्टॉलमेंट, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो मेन हेडिंग, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश लेकिन इन इंस्टॉलमेंट। इस बार हम एक साथ पैसे नहीं ले रहे, इस बार हम इंस्टॉलमेंट में पैसे लेंगे, जैसे शेयर्स में आपने करा था या शेयर्स में आपने देखा था। चलो तो इसकी एंट्री ऐसी फटाफट कर लेते हैं नाटक करने के लिए। तो पहली एंट्री क्या होगी, सही, तो लिख लेते हैं जी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें आप सिर्फ एप्लीकेशन वाला ही मनी लोगे, ठीक है, ओनली एप्लीकेशन वाली ही इंस्टॉलमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट के आगे आप लिख सकते हो फेस वैल्यू। तो इसमें आपको सिर्फ एप्लीकेशन मनी वाला अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है सबको कंफर्टेबल होगा। उसके बाद चलो अलॉटमेंट का भी ड्रामा कर लेते हैं। अलॉटमेंट की बताओ, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। इसमें आपको अलॉटमेंट वाला अमाउंट लिखना है और परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट के आगे आप लिख लो फेस वैल्यू। नरेशन सबकी सेम है जो शेयर्स में लिखी थी, ठीक है, तो इसलिए बार बार मैं नहीं लिख रहा। और फिर फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें आपको सिर्फ अलॉटमेंट वाला ही अमाउंट लिखना है। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फिर उसके बाद कॉल की भी चलो कर लेते हैं नाटक। तो कॉल की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में आपको लिखना है फेस वैल्यू। इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट कॉल का जो भी अमाउंट होगा या कॉल जो भी रिस्पेक्टिव कॉल होगी उसका अमाउंट लिखना है। और सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो सबको ओके है। बाकी एक स्टार पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, दोबारा से रिवीजन में भी याद रहेगा कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट इज यूज्ड इफ एनी। तो वो क्वेश्चन बताएगा कि भाई डिस्काउंट पर अगर इशू कर रहे हैं तो भाई डेबिट कर देंगे डिस्काउंट को, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर रहे हैं या क्वेश्चन देगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही चलेगा। ठीक है, तो ये तो आप लिख लो। तो इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत बात नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल। तो चाहे डिबेंचर लमसम में इशू हो तो भी, या आपने इंस्टॉलमेंट में इशू करा हो तो भी, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लास ट्वेल्थ की तरह ही हैं, सेम, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद थर्ड, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। अब इस बार हम वेंडर को डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो वेंडर मतलब कौन बताओ, जिससे आपने मतलब मशीन या कोई एसेट खरीदा है। चलो तो लिखो, पहली एंट्री क्या होती थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर,
एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो लिख लो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और इसकी नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग एसेट परचेज्ड, बीइंग एसेट परचेज्ड और, या फिर कभी कभी आप एसेट नहीं परचेज करते, पूरा बिजनेस परचेज कर लेते हो, तो क्या एंट्री होगी? अगर मान लो आपने पूरा बिजनेस खरीद लिया तो फिर आप सारे सन्ड्री एसेट्स जो हैं उन्हें डेबिट करोगे, एक लाइन की जगह छोड़कर सारी सन्ड्री लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करोगे, और टू वेंडर जिसमें आप लिखोगे क्या, परचेज कंसीडरेशन, यानी कि जितने रुपए में आपने खरीदा बिजनेस, ठीक है? तो फिर ये एंट्री लेकिन कभी कभी मैच नहीं होगी, नीचे भी बैलेंस बच सकता है या ऊपर भी बैलेंस बच सकता है। तो बैलेंस ऊपर बचेगा तो क्या, और नीचे बचेगा तो, ठीक है, तो बस लिख लो जी, तो ऊपर बचेगा तो गुडविल, नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। तो ये भी आपका मतलब सेम क्लास ट्वेल्थ की तरह ही है। तो आपने वेंडर से खरीदा एसेट, और फिर या फिर वेंडर से खरीदा आपने पूरा बिजनेस, और फिर उसके बाद अब वेंडर को डिबेंचर्स इशू करोगे, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं बी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, इसमें आप लिख लो फेस वैल्यू, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। बाकी इसमें भी स्टार डाल के बताओ क्या लिखना पड़ेगा। हाँ वही सेम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट मे बी यूज्ड। तो वो क्वेश्चन बताएगा कि भाइयों आपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करें या प्रीमियम पर इशू करें, तो वो फिर क्वेश्चन के हिसाब से आपको डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा और प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक तो सबको, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बच्चों वाली बातें हो रही हैं। बाकी चलो एक और स्टार डाल के ये भी बता दो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी लिख ही लेते हैं। चलो ठीक है, मतलब अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर, एक डिबेंचर आप कितने का इशू कर रहे हो। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और याद आ जाएगा सब वैसे तो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए क्या है, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर। तो ये बेसिकली डिबेंचर्स वेंडर को इशू कर दिए हमने, तो इसमें आपको सिर्फ दो ही एंट्री करनी होगी, ए और बी। ठीक है, तो कर लो, नोट कर लो। तब तक यहाँ तक बता भी दो मेरे को कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबको, किसी को भी कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो पूछनी हो। ओके, सबको क्लियर?
चलो ठीक है जी। तो ये कौन सा हो गया आपका पॉइंट नंबर थ्री। चलो इसके बाद पॉइंट नंबर फोर भी शायद आपने सुना होगा, शायद सुना ही होगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, सुन तो रखा होगा, बाकी दोबारा से समझाऊंगा आपको। तो डाल लो हेडिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अलग अलग एसेट के नाम लिखने होंगे प्रथम बाबू, वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे आप, वो सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा। चलो तो इसमें आप एक डायग्राम बना लो पहले मेरे साथ, फिर उसी डायग्राम की हेल्प से मैं सारी आपको अकाउंटिंग भी सिखा दूंगा। तो एक बना लो कंपनी, एक बना लो बैंक, तो कंपनी ने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है, तो कंपनी ने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, बदले में कंपनी ने बैंक को सिक्योरिटी में मान लेते हैं अपनी बिल्डिंग गिरवी रखवाई। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइम सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? प्राइम सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। लेकिन बैंक कहता है कि मुझे कुछ और भी दो, तो फिर कंपनी अपने कागज निकालती है और बैंक को दे देती है, ये भी सिक्योरिटी के तौर पर ही दे रही है, तो इस सिक्योरिटी को बोल देते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, है ना। तो ये कंपनी के मान लो जो भी डिबेंचर्स हैं, लेट से 9% डिबेंचर्स, ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी, 4000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, है ना, तो मतलब कुल मिलाकर 4 लाख रुपए की ये भी सिक्योरिटी दे दी बैंक को। तो इस वाले इशू को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख लेना जो अच्छा लगे, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, जो आपको मन करे, लेकिन मैं अपनी बात कह दूँ कि कंपनी जो ये वाले डिबेंचर्स इशू करती है, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले, ये जो डिबेंचर्स आप देख रहे हो पर्पल कलर के इशू करती है कंपनी, इसका ध्यान रखना ये सिर्फ नकली इशू है। ये कैसा इशू है? नकली इशू। नकली इशू इसलिए कि एक्चुअल में ये कोई डिबेंचर्स अभी इशू नहीं हुए, एक्चुअल में कंपनी ने कोई मतलब पैसा नहीं लिया बैंक से 4 लाख, है ना, ये तो सिर्फ एक कागज ऐसी दे दिया। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, इसमें लिखा ये होता है, इसकी डील ये होती है कि भाई अगर बैंक लोन जो 5 लाख का है, बैंक लोन 5 लाख का डिफॉल्ट करा कंपनी ने, तो बैंक डिबेंचर्स को असली बना लेगा। अभी तक तो ये डिबेंचर्स कैसे हैं? ये नकली हैं बस। लेकिन ये असली सिर्फ कब बन सकते हैं? अगर बैंक का लोन जो है वो नहीं मिला, मान लो कंपनी ने पैसा देने में, लोन देने में डिफॉल्ट करा, तब इन डिबेंचर्स को बैंक असली बनवा लेगा, फिर ये असली के 4 लाख माने जाएंगे, तब इनकी वैल्यू 4 लाख मानी जाएगी। लेकिन अभी ये कुछ नहीं, अभी तो कागज में मान लो मैं लिख के आपको दे दूं ये लो 500 करोड़, तो उस कागज का आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं। हाँ, लेकिन वो कागज 500 करोड़ का एक्चुअल में कब बनेगा? अगर मैं अपनी कहानी से बोलूं, अगर मैंने आपके लोन को डिफॉल्ट करा तो समझ गए, क्लियर हो गया सबको कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं।
तो ये अब आप अपनी भाषा में जिसको जैसे मर्जी समझ के लिखना वो लिख लो, मेरी तरफ से तो यही था कि भाई ये जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं ये नकली इशू है, ये कोई असली 4 लाख की वैल्यू नहीं है, अभी कुछ नहीं है, इट इज़ कागज का टुकड़ा है सिर्फ। लेकिन इसमें डील ये है कि अगर बैंक लोन में डिफॉल्ट होता है, अगर कंपनी 5 लाख का लोन नहीं वापस करती बैंक को, तब बैंक इस कागज को असली बना लेगा और फिर ये वाकई के एक्चुअल के 4 लाख के डिबेंचर्स मतलब बन जाएंगे, ये मतलब है, ठीक है ना। और इस बात का एक और प्रमाण दे देता हूँ कि ये क्यों नकली इशू है, वो भी आपको यहीं बता देता हूँ, नीचे बड़ा बड़ा लिख भी देता हूँ। बताओ शिवांश, इन डिबेंचर्स पर क्या नहीं होता? इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, तो ये कहने को देखो 9% डिबेंचर्स हैं, लेकिन इस इन डिबेंचर्स पर कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर दी कंपनी, नो इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन दीज डिबेंचर्स। हाँ, ये भी लिख देता हूँ, एक बार मैंने क्या हुआ, एक बैच में खाली इतना लिखवा दिया, नो इंटरेस्ट टू बी पेड। बच्चा बाल नोचने आ गया मेरे, कह रहा सर जो लोन लिया है उस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। हाँ, लोन पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, समझ गए, आप तो बच्चे इतने होशियार नहीं हो। जो लोन लिया है उस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन किस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? डिबेंचर्स पर। तो समझ गए भाइयों बहनों, तो लिख लेना अपने अपने स्वाद अनुसार, जैसे मर्जी लिखना है ताकि गड़बड़ ना हो। तो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये नकली इशू है, बस ये ध्यान रखो। हाँ, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं, ये तो ऐसी है, अभी तो खाली ऐसी दे रहे हैं, ये नकली इशू है। तो लिख लो पहले तो खैर हमारा तो मेन पर्पस अकाउंटिंग पे है, अभी हम अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन पहले आप समझ गए, पहले कहानी समझ गए, बोलो जी, पहले कहानी समझ गए। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि ये सिर्फ नकली इशू है, अगर कंपनी ने लोन डिफॉल्ट करा तब फिर बैंक इन कागज को, इन डिबेंचरों को असली बनवा लेगा, तब ये असली माने जाएंगे और फिर ये 4 लाख की वैल्यू तब मानी जाएगी। लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं, तो आपको टेंशन लेने नहीं है ना, मतलब आपके कोर्स में वो नहीं होगा कि भाई डिफॉल्ट भी हो गया, अब बताओ, तो आपको वो नहीं करना, बस आपका काम है ये नकली इशू करके बस एंट्री करके खुश हो जाना है। अच्छा, तो अब इसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए आप पेज हाफ करना, क्योंकि इसमें 2 मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग के, है ना। तो इसकी अकाउंटिंग के 2 तरीके होते हैं, तो आप पेज हाफ ही कर लो। तो पहले में लिख लेते हैं मेथड 1, दूसरे में लिख लेते हैं मेथड 2। तो 2 मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग करने के। पहले में लिख लो मेथड 1, दूसरे में लिख लेते हैं मेथड 2। चलो जी, तो पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, लोन लेने की एंट्री कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, 2 बैंक लोन अकाउंट। तो इसका मतलब है बीइंग लोन टेकन, तो हमने 5 लाख का लोन ले लिया, सबसे पहले बैंक से आप 5 लाख का लोन ले लोगे। तो सेम एंट्री आप मेथड 2 में भी कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट 2 बैंक लोन अकाउंट 5 लाख। तो सबसे पहले 5 लाख का लोन ले लिया, बीइंग लोन टेकन, बाकी इसको समझने के लिए अपने एक बिल्कुल देसी बैलेंस शीट ऐसी छोटी सी बना लो,
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ध्यान रखना ये कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती वैसे, लेकिन बस आपको विजुअलाइजेशन देने के लिए बना रहा हूँ। इस एंट्री का मतलब है कि बैंक में हमारे एसेट में कितने रुपए आ गए, 5 लाख, और लाइबिलिटी में हमारा कितना लोन आ गया, 5 लाख। तो देखो बैलेंस शीट टैली हो गई। तो ऊपर वाली एंट्री का मतलब ये है कि आपके बैंक में 5 लाख रुपए आ गए और आपकी एक लाइबिलिटी आ गई लोन 5 लाख की। तो बोलो जी, तो क्लियर हो गया? पहले आपको बैलेंस शीट से समझ आया कि ये एंट्री का क्या मतलब है सब बच्चों को? ठीक है, अब सेकेंड एंट्री नकली इशू की, नकली इशू की सेकेंड एंट्री करते हैं। बी लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको ड्रामा करने के लिए, नकली इशू। अब नकली इशू की सेकेंड एंट्री करते हैं, जो आपने डिबेंचर्स इशू करे। तो ICAI जो कहता है कि नकली इशू की क्या एंट्री करनी है, तो लिखो नकली इशू की एंट्री है नो एंट्री, बड़ा बड़ा, क्योंकि मैं आपको तब से क्या समझा रहा हूँ कि भाई ये कैसा इशू है, नकली इशू। तो ICAI मानता है कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करा भाई, ये बॉटल मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, बताओ इसकी एंट्री बताओ, कुछ नहीं है ना। तो ऐसी एक कागज़ पे मैंने 500 करोड़ लिख के आपको दे भी दिया, तो इसकी कोई एंट्री करनी है क्या? नहीं करनी, कुछ भी नहीं हुआ, इंटरेस्ट भी नहीं देना, ना मैंने कोई पैसे लिए, ना आपने कुछ करा भी, ना मैंने कुछ करा भी, तो इसकी कोई एंट्री नहीं है। मतलब ये जो चिट्ठी दी, समझ रहे हो, ये जो 4 लाख रुपए की आपने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करा है, इसकी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन मेथड टू जो है नकली इशू, मेथड टू पे चलते हैं। मेथड टू जो है, जो आप क्लास 12th में करते थे वैसे, हाँ, तो वो वाली सेम एंट्री चिपका लो। क्या थी क्लास 12th की? हाँ, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू 9% डिबेंचर अकाउंट 4 लाख रुपए। तो 12th में आप ये करते थे जो सेकंड मेथड है, 12th वाली नकली इशू है ना। बाकी नरेशन भी लिख लो, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो लिख लिया दोनों, समझ आया पहले खेल? बाकी मैं फिर बैलेंस शीट भी दोबारा बना रहा हूं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले मेथड में तो बैलेंस शीट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं। तो पहले मेथड में तो आपका बैलेंस शीट अभी भी एज इट इज चल रहा होगा, भाइयों बहनों, बैंक में 5 लाख और लोन 5 लाख, है ना, आपने तो कुछ और करा ही नहीं। लेकिन सेकंड केस में देख लो एक बार, सेकंड केस में पहले उतना लिख लेता हूँ, बैंक में 5 लाख थे और लाइबिलिटी लोन 5 लाख थी। अब ऊपर वाली एंट्री का इफेक्ट कैसे आता है बैलेंस शीट में, ऊपर वाली एंट्री का? ठीक है, तो ये जो आपने 9% डिबेंचर्स जो इशू करे, आप उन्हें भी लाइबिलिटी की तरह पहले शो करते हो। 9% डिबेंचर कितने रुपए? 4 लाख। और ये जो डिबेंचर सस्पेंस आपने डेबिट करा, ये एक फिक्टिशियस एसेट है, तो इसको एसेट में लिखने की बजाय हम डिबेंचर्स की वैल्यू को ही डिडक्ट कर कर शो कर देते हैं, डिबेंचर सस्पेंस 4 लाख। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी आएगी? निल। तो 4 लाख माइनस 4 लाख निल हो गया। तो वैसे आपकी बैलेंस शीट जो है वो तब भी यही रहेगी।
तो जो सेकंड मेथड होता है ये आप क्लास 12th में करते थे वैसे अगर आपको याद हो तो, लेकिन आईसीआई कहता है कि 12th में तो आप नकली बना करते हो, एक्चुअल में तो आपको नो एंट्री करनी है। ठीक है, तो क्लियर हो गए भाइयों बहनों? तो मतलब ये है, बाकी बैलेंस शीट तो ऐसी मैंने समझाने के लिए बनाई। तो डिबेंचर्स जब कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू होंगे तो हमें एग्जाम में मेथड वन फॉलो करना है, ध्यान रखना है। तो बच्चा कहता है सर फिर टू करवा क्यों रहे हो? वो टू इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि किताब में भी टू दे रखा है। तो फिर कई बार बच्चा मेरे बाल नोचने आता है कि सर आपने टू नहीं कराया। तो मैंने टू करा तो दिया, लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा ही करना है? बस वन ही करना है। क्वेश्चन आपको बोलेगा भी वन और करना भी वन ही है, बाकी समझने के लिए टू कर दिया बस ऐसे दिखाने के लिए, लेकिन वैसे वन ही करना है। तो क्लियर हो गया? चलो तो ये आपका हो गया, कौन सा इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। चलो ठीक है, तो बस इसको भी क्लोज कर दो। तो फिलहाल अभी चार तक कॉन्सेप्ट ही लिखते हैं, तो एक बार मुझे बताओ आपको चारों कॉन्सेप्ट्स तक बिल्कुल जो लिखा उसमें सारी बातें ओके हैं, सबको समझ आई? ठीक है, तो इसके नीचे तो आप लाइन लगा लो फिलहाल, बाकी तो फिर उसके आगे से जो लिखेंगे वो अगली क्लास में लिखेंगे, लेकिन ये हमको बस आज चार बातें लिखनी थी।